13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि बैसाखी के दिन हंसराज नामक व्यक्ति ने जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बैठक बुलाई। ये बैठक क्यों आई, क्यों? तो यहां पर क्या है कि वो सिर्फ जो भीड़ आई थी वो केवल एक शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन करने आई थी कि उनके नेता को रिहा कर दिया जाए। सब यहां घुस गए, सब भीड़, ठीक है, सब भीड़ लग गई, मतलब शांति पूर्वक धरना। किसी के पास हथियार नहीं था, किसी के पास हथियार नहीं था। इस समय पंजाब का जर्नल था वो डायरवा, ठीक है, कौन था वो डायर, टायर जानते हैं, टायर बचपन में इसे दौड़ाते थे, तो वो डायर था, पंजाब का जर्नल था वो डायर, ठीक। और यहां पर जलियांवाला बाग के पास जो नियंत्रित कर रहा था वो था आर डायर, ठीक। दोनों याद रखिएगा, दोनों डायर हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे पूछ सकता है कि कौन डायर थे, तो ओ डायर, आर डायर, ठीक है। तो हुआ क्या, आर डायरवा को फोन लगाया, ओ डायरवा को, ठीक, उसने कहा यहां पर बहुत बहुत भीड़ लगी है और भीड़ जो है वो बहुत बदमाशी कर रही है, ठीक। तो ओ डायर ने कहा कि एक काम करो, इस पूरे मैदान को चारों तरफ से घेरवा दो, गेट के सामने भी पुलिस लगा दो। आर डायर कहा जो हुकुम, कर दिया, ठीक है, यहां समझिए। और ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्ती भीड़ पर अब यहां पर इसको इतिहास के पन्नों में क्यों जगह नहीं दी जाती, इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको समझा देता हूं कि जलियांवाला बाग घटना जो थी, जैसे मान लीजिए कल सलोरिक दत्कंदो मेला रहा, एक बात समझ लीजिए, दत्कंदो मेला था, भीड़ थी खूब, कुछ लोग मेला देखने आए थे, कुछ लोग कुछ और देखने आए थे। मान लीजिए कि कोई सिंगल सांड वहां पगला जाए, ठीक, मेला में, या मान लीजिए कोई झूठे हवाई फायर कर दे, तो आदमी अपन प्राण बचा के भागेगा, एक दूसरे कपार पे चढ़ के कूच के मूच के सब कुछ निकल जाएगा वो, क्यों, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी रहती है। इस भीड़ में क्या हुआ कि आर डायरवा ने 1000 गोली चलवाई, 1000 गोली मतलब कहा जाता है 1000 राउंड मरवाया था गोली, किसने, आर डायर ने। और फिर कहते हैं कि 550 लोग मरे, ये कैसे पॉसिबल है भाई, मेरा भाई ये बताओ, यहां पर सब ठसा ठस, एक ट्रेन का डिब्बा है उसमें सब ठुसा ठुस भरे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि वही ट्रेन में कोनो झूठे गोली चला दे तो आदमी बहुत मरते हैं। यहां पर रीजन ये है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो दो कमेटी का गठन हुआ, भारत वालों को नहीं समझा गया, उनको लपुझाइया समझ लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ, वो था हंटर कमेटी, ठीक है, क्या था, हंटर कमेटी, हंटर आयोग नहीं, हंटर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है, हंटर कमेटी अलग है। तो हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे, ठीक, उनका नाम जब भी लेता हूं तो सुतुई में खून हमारा घट जाता है, चमनलाल सीतलवाड़ा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक। इन तीनों ने पन्ने दर पन्ने इतना लीपा पोती का काम किया कि उन्होंने कहा भीड़ थी, भीड़ हिंसक हो रही थी, गोलियां चलने वाली थी, भीड़ वाले गोली मारने वाले थे, इसलिए अंग्रेजों ने गोली चलाई और इसमें 550 लोग मारे गए। गिना रहे तो आप गिने थे, नहीं, सवेरे जाकर आप वहां गिनती किए थे कितने बच्चे महिलाएं मरे थे, आपने काउंटिंग की थी, हाँ, आप तो अपनी वकालत के चक्कर में इतिहास के पन्नों में इस घटना को आपने अंजाम नहीं दिया, आपने गिना था उसको, एक और नेता मत बनो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर कुआं था, कितने लोग बेचारे कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए, बच्चे मर गए, महिलाएं मर गई, एक दूसरे के सर पर लोग निकल गए, गोली चली 1000, लेकिन पन्ने दर पन्ने लीपा पोती का काम करके हंटर कमेटी ने क्या किया, पूरा का पूरा नाश कर दिया। इसीलिए जब तहकीकात कमेटी का गठन हुआ, उसमें मोतीलाल नेहरू जी थे, गांधी जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उसको क्या हुआ कि वैल्यू नहीं दी गई, कहा गया नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों को इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली, अबे देखा आगे चौसलेबाजी, ओ डायर जब गवा ब्रिटेन गया
तो इसको वहां पर नवाजा गया। किससे नवाजा गया? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से, ठीक है, सम्मान की तलवार से। ये तलवरवत और सिनुअम घोष थी। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया इनको जलाने के लिए। इसको क्या हुआ कि जब ब्रिटेन गया तो इसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया कि वाह भाई वाह, ठीक है, वाह भाई आपने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की, बहुत बहुत ही आपने अच्छी घटना की। आप नहीं किए होते तो कितने अंग्रेज मारे जाते, ठीक है, बता रहे, अभी लिखा रहे, सब लिखा रहे, ठीक है, मारे जाते, ठीक। अब आपने तो पहले घटना करवाई और फिर जले में गर्म पानी दे दिया और फिर जले में नमक छिड़क दिया, लेकिन अंत का भला जो अंत में जो होता है ना, बुरे का बुरा ही होता है और भले का भले ही होता है। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जाकर ब्रिटेन में ओ डायर की छाती को गोली मार दिए और ये मर गया।